तुम अपना दामन बिछा के मांगो, मांगने का शोर देते हैं, अरे जो भी मांगे हुजूर देते हैं। मांगने वाला हो अगर कोई तो मेरे आका जरूर देते हैं, लेकिन मांगने वाला भी ऐसा हो जो ये कहे तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम मांगो करीम के दर पे कोई कमी नहीं है, के दर पे कोई कमी नहीं है, गदा आंसू बहा के मांगो, गदा आंसू जोर देंगे जरूर देंगे, हो जोर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, रसूल अकरम के आस्ताने मांगने का उसूल ये है, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है, क्या उसूल कि दुरूद लब पर सजा के मांगो, दुरूद लब पर सजा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। मौलाए कायनात ने अपने गुलाम से कहा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ सलूनी सलूनी सलूनी, यानी मुझसे पूछो मुझसे पूछो, कि भाई मुझे हर चीज का इल्म है, तुम जो भी पूछो मैं जवाब दूंगा, जमीन का पूछो आसमान का पूछो मशरिक का मगरिब का कुछ भी सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा, कभी ये भी पूछ लिया करो कि ये सब तुम्हें मालूम कहाँ से, आपके पास आया कहाँ से। तो गुलाम ने पूछा हुजूर मौला बात क्या है, तो मौला कायनात फरमाते हैं कि यकीनन मुझे जो कुछ भी मिला है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके तवसुल से मिला है, हुजूर के दर से मिला है। शायर कहते हैं कि जहाँ से मौला अली
जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। आखिर में फरमाते फरमाते रसूल अकरम की नात खालिद जमाने भर को सुना चुके हो, रसूल अकरम की नात खालिद जमाने भर को सुना चुके हो, अब हुजूर को भी